हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक नई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बाहर से जितना क्रिस्पी है, अंदर से उतना सॉफ्ट है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो कच्चे आलू लिए हैं, अब इसका छिलका हटा लेंगे। तो छिलका हटा लिया है, अब इसे कद्दूकस करेंगे, आलू को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, अब इसे दो पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है, और देखिए दोस्तों कितना लच्छेदार आलू है। और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, और तेल गर्म हो गया है। अब इसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन डालेंगे। और एक चम्मच राई डालेंगे, और एक चम्मच जीरा डालेंगे, और थोड़ा सा हींग डालेंगे, और ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, और कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। और इन सभी को थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसमें लच्छा वाला आलू को डालेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। तो देखिए दोस्तों, आलू थोड़ा सा भून गया है। अब इसमें डेढ़ गिलास पानी डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा उबालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, और काली मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानी में उबाल आ गया है। अब इसे मिला लेते हैं। अब इसमें एक कप सूजी डालेंगे, और अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कम बनाना है तो एक आलू और आधा कप सूजी से बना सकते हैं। तो इसे छोड़ना नहीं है, चलाते जाना है। अब इसमें कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक डो बन गया है। अब इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे। आप नींबू का रस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ। और मिला लेंगे। और एक थाली में थोड़ा सा तेल डालेंगे, और थाली को चिकना करेंगे। अब इसमें बैटर को डालेंगे और चारों तरफ फैला देंगे।
तो देखिए दोस्तों चारों तरफ फैला दिया है। अब इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सेट हो गया है, तो देखिए हाथों में नहीं चिपक रहा है। अब इसे काट लेंगे और आप अपने हिसाब से शेप देना है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा से सेट हुआ है और कितना अच्छा से निकल रहा है। तो मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए छोड़ा है। तो देखिए दोस्तों तेल गर्म हो गया है। और इसे हाई फ्लेम में तलना है। और देखिए दोस्तों कितना झाग निकल रहा है। और इसे हाई फ्लेम में बनाना है। तो देखिए झाग भी कम हो गया है और ये पक गया है थोड़ा सा। अब इसे दूसरे साइड पलट देंगे। तो देखिए दोस्तों अब ये बन गया है, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। और देखिए दोस्तों कितना क्रिस्पी बना है। अब मैं इसे तोड़ के दिखा रहे हूँ। तो दोस्तों आप इसे टमाटर सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।